नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। लॉकडाउन फर्स्ट, लॉकडाउन सेकंड, लॉकडाउन थर्ड और अब चल रहा है लॉकडाउन फोर्थ। मगर कुछ रियायतों के साथ, कुछ छूट के साथ में जो है लॉकडाउन फोर्थ जो है वो स्टार्ट हुआ है। और जो सरकार से लोगों की उम्मीदें थी, बिजनेस खुले हैं, मार्केट खुला है, फैक्ट्रीज खुलनी चालू हुई हैं, कुछ शर्तों के साथ दुकानदार भी जो है अपनी जो है वो शॉप्स खोलनी चालू कर दी है। और जैसा सरकार की जो भी गाइडलाइंस है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकार जो है रेड जोन के अलावा बाकी जगह दुकानें जो है वो खोल दी गई हैं। सारी जो बातें पिछले 2 महीने चल रही थी वो चल रही थी सेहत की, लोगों के स्वास्थ्य की और जो भी तकलीफें लोगों की आई। हालांकि जो है सरकार ने जो भी कहा, लोगों ने उसकी पालना करी, लोग घरों में रहे और लोगों ने जो है सरकार का पूरा समर्थन किया। जहां भी जरूरत थी वहां लोगों ने अपनी तरफ से, सामाजिक संस्थाओं ने भी जो आगे आकर के जो है सेवाएं दी और लोगों की मदद करी। मगर अब एक ही सवाल है जो लोगों के जहन में उठ रहा है, वो है दाना पानी का सवाल। और अब कोई भी क्षेत्र हो वो एक चीज से सफर कर रहा है, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस से। जहां पैसा है, विटामिन एम की बात चल रही है कि सरकार ने क्या मदद करी, लोगों तक कितनी मदद पहुंची और 20 लाख करोड़ एक बड़ा आंकड़ा है। उस आंकड़े की गणित है क्या, ये समझ में शायद लोगों को नहीं आ रहा। कुछ लोग कह रहे हैं कि घुमा फिरा के सरकार ने कोई सिर्फ आंकड़े ही बताए हैं। तो इन आंकड़ों को, इन फिगर्स को समझने के लिए मेरे साथ में नीरज जी मुंद्रा साहब हैं, जोधपुर के जो है माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, राजस्थान के माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट है और गणितों को जो है पूरी तरह, फिगरों को जो है सबको समझते हैं अच्छी तरह से। और जहां राजस्थान की हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं अपने आप में एक मिसाल हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर 20 लाख करोड़ का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है और लोगों को लग रहा है कि काफी पैसे जो है हमको मिल रहे हैं, सरकार की जो मदद की गई एक बहुत बड़ा फिगर है सर। तो जानना चाहेंगे कि क्या जो है ये 20 लाख करोड़ में लोगों को क्या मिल रहा है और छोटे दुकानदार से लेके बिजनेसमैन से लेके आम आदमी तक क्या पहुंच रहा है। नमस्कार। देखिए सर, 20 लाख करोड़ का आंकड़ा देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है जी। लेकिन आपका प्रश्न है कि आम आदमी को क्या मिला या आम आदमी उससे क्या बेनिफिट हुआ या आम आदमी के लिए क्या अब आने वाले समय में उसको अपने आप को उठाने में क्या मदद मिलेगी जी। इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जनरल पब्लिक जो मिडिल क्लास है वो आज लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि अगर उसके हाथ में कैश ही नहीं है या उसको, एक मिडिल क्लास आदमी या मिडिल क्लास व्यापारी जिसके पास आज ना तो व्यापार शुरू कर पाया है ना उसके पास कोई लिक्विडिटी है, उसको अपनी डेली जरूरतें पूरा करने के लिए उसके पास किसी तरह की कैश अब नहीं रही है। देखिए मैं इसको आपको कुछ आंकड़ों के साथ समझाता हूँ। मोदी जी ने सबसे पहले 1,70,000 करोड़ रुपए का आपके सामने पैकेज का ऐलान किया जी। उस पैकेज में उनका प्राइमा फेसी जो सब कुछ था वो था कि एक गरीब और छोटे मजदूरों के लिए सारा, उससे व्यापारी वर्ग को कोई फायदा नहीं था, नहीं हुआ ठीक है जी जी। अब रही बात उसके पश्चात, जब 2 महीने का सीवियर लॉकडाउन का सभी लोगों ने पालन किया जी, उस पालन के पश्चात मोदी जी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लेकर के आए। उस पैकेज की कुछ गणित मैं आपको बताता हूँ 20 लाख करोड़ में। उसमें उन्होंने लिखा कि 22 मार्च 2020 से कर रियायतें 7,800 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पीएम की घोषणा 15,000 करोड़ रुपए, एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल की सुविधा 3,00,000 करोड़ रुपए। आम आदमी आज एमएसएमई वर्किंग कैपिटल लोन लेने के लिए अगर जाता भी है सरकार के पास या बैंक के पास जाता है तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज है, क्या वो आप त्वरित रूप से 3,00,000 करोड़ रुपए दे पाएंगे या 3,00,000 करोड़ की सहायता जिस हिसाब से आपने घोषणा करी है कि 4 वर्ष के लिए आपको लोन दिया जाएगा, पहले 12 महीने में आपको ब्याज नहीं देना है और उसके पश्चात उस ब्याज का कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको अगले आने वाले 3 सालों में वो लोन देना है,
तो क्या हमारा बिजनेस वापस उठ पाएगा या आने वाला वर्ष इतना मुश्किल साल है? मेरा ये मानना है कि यह फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 तक जो खत्म होने वाला है, व्यवसाय और आम आदमी अपनी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से बहुत मुश्किल से सरवाइव कर पाएगा। इसके कुछ कारण भी है जो मैं आपको बताऊंगा। इसके पश्चात अब आपने तनावग्रस्त एमएसएमई के लिए ऋण 20,000 करोड़ रुपए, एमएसएमई फंड के और फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए, व्यापार और श्रमिकों के लिए ईपीएफ में 2,800 करोड़ रुपए, इस तरह जो मोटा मोटा अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड और उसके लिए आपने 2,00,000 करोड़ रुपए, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए और इसी तरह आपने डिस्कॉम के लिए लिक्विडिटी 90,000 करोड़ रुपए। देखिए सर, डिस्कॉम के लिए इन्होंने 90,000 करोड़ का दिया। हमारी राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, हमें बिजली के बिल एज इट इज चुकाने हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज को सैलरी एज इट इज देनी है, हमें हमारे सारे एएमसीज और सारे व्यवसाय के जो खर्चे हैं वो एज इट इज पूरे करने हैं, बच्चों की फीस एज इट इज करनी है। तो जो मिडिल क्लास के लिए जो समस्या है लिक्विडिटी की, वो समस्या एज इट इज है। मिडिल क्लास एक ऐसा है और मिडिल क्लास व्यापारी ऐसा है जो ना किसी से सहायता ले सकता है, ना वो बड़े मैन्युफैक्चरर की तरह अमीर है, ना वो इतने बड़े लोन ले सकता, ना अपने आप को डिफॉल्टर कर सकता, बिकॉज उनको रहना यही है, कमाना यही है, जीना यही है, बिजनेस भी करना है और टैक्स भी देना है। देखिए उनके योगदान मैं बताता हूँ, डोनेशन के रूप में वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा डोनेशन करते हैं, फैमिली के सारे खर्चे मीट आउट करते हैं, कंपल्शन आपने डाल दिए कि आपको सैलरी देनी है, आपको रेंट चुकाना है, आपको बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, मोबाइल बिल भरने, सारे बिल भरने, सारे बिल भरना है। इस तरह से सर इतनी जबरदस्त समस्या है उनके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने मिडिल क्लास जी व्यापारी या मिडिल क्लास वर्ग के लिए कुछ ऐसी राहत का ऐलान किया। मेरी नज़र में अगर सरकार इस लिमिट को बढ़ाकर, जो करदाता के लिए कर योग्य सीमा 2.5 लाख को बढ़ाकर एक साल के लिए अगर आप 10 लाख तक का भी करते या जीएसटी में कुछ राहत प्रदान करते, अच्छा, कुछ छूटें प्रदान करते जिससे कि आम आदमी को राहत, ऐसी कोई राहत आपके इसमें नहीं आई अभी तक। और अभी जैसे बता रहे हैं कि भी सरकार के बड़े बड़े फिगर्स हैं, बोल रहे हैं कि भी आज फायदा मिलेगा, लेकिन आप जैसे बताया स्कूल फीस से लेके सारी चीजें जो चल रही हैं, और बिजनेस तो अभी खुला है, कुछ शर्तों के साथ खुला है, तो अभी वापस लोग जो है बिजनेस में वापस आएंगे या दुकानों पर अभी भी वो भीड़ देख रहे, कपड़े की दुकान होगी भले वो पार्लर हो गए उस लेवल तक की भीड़ दिखने, मैं भी आज बात गया इवन पेट्रोल पंप में बात हुई है, पेट्रोल पंप में कहा कि सर अभी जो पेट्रोल भराने आ रहे हैं वो भी मतलब रुपए, पहले रुपए का बिजनेस आ रहा था, अब 15 पैसे का आ रहा है, आज की तारीख में मेरी आज बात हुई है उन्होंने कहा 15 पैसे, यानी लोग अभी गाड़ी में तेल भी भराने नहीं पहुंचे क्योंकि वो कह रहे निकले कहां जाए कहां, सब निकले कहां जाए कहां, लेकिन आम आदमी एक बात छुपा रहा है, लाए कहां से, लाए कहां से। आम आदमी अपनी पुरानी बचतों को खत्म किए जा रहा है, नया तो आपको पता आय का ना तो कोई स्रोत है, ना कोई व्यवसाय चालू है, जहाँ तक है कि आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है और सरकार द्वारा जो लिमिटेड टाइम उपलब्ध करवाया गया उसी के अंतर्गत आपको बिजनेस करना है और उसमें करना है। अब रही बात आपने जो समस्या की कि बिजनेस कैसे करें, जब लेबर माइग्रेट हो रही है और लेबर ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे रन कर पाएगी, और अगर लेबर हैं जो माइग्रेट होकर के आई हैं तो भी समस्या है कि अभी जो वापस कोरोना फैल रहा है वो माइग्रेटेड लेबर की वजह से ज्यादा फैल रहा है, और आपने वो भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो सारा मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्री के ऊपर डाल दिया जी। तो कैसे पॉसिबल होगा कि व्यापारी सैलरी देना, अच्छा दूसरा अगर लेबर आ रही है तो वो भी कुछ शर्तों के साथ आपके साथ आ रही है कि हमें इतनी इतनी आप एडवांस पेमेंट देंगे, हमारा आने जाने का भाड़ा देंगे, हमारे रहने की व्यवस्था करेंगे, हमारे खाने की, तो वो ऑलरेडी लेबर जो है प्रोडक्शन से पहले ही अपना एडवांस मांग रही है और उसके पश्चात हमें उनकी पूरी उनकी निगरानी करनी है, उनकी देखरेख करनी है, प्लस सरकार की शर्तों के अंतर्गत रहते हुए प्रोडक्शन करना है और उसको आगे बढ़ाना। देखिए सब खाद्य सामग्री सिर्फ उसी का व्यापार हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं रेडीमेड के शॉप्स खुले हैं, वर्तमान को परिस्थिति को देखते हुए ना तो लोग कोई शादी ब्याह कर पाएंगे, अगर कर पाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड, आप ही ने 50 की लिमिट कर रखी है, 50 लोगों में कौन कितने कपड़े बिकेंगे, कितनी शादियां होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है प्रधानमंत्री जी की गाइडलाइन को मानते हुए और हमारे देश की सुरक्षा के जितने भी गाइडलाइन नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करते हुए तो हम खर्चा तो नहीं कर सकते। तो क्या ऑप्शन आपको लगता है, जैसे एक तरफ तो कोरोना संक्रमण है उससे बचाव करना है सरकार के ऊपर जिम्मेदारी वो भी है, और दूसरा जो है वो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को, जिसे कितना आपको लगता है बिजनेस, हालांकि फाइनेंशियल चीज है, जब तक पैसा नहीं होगा, कई हमने भले मजदूरों से लेके सारी जगह बात करी,
तो उन्होंने कहा कि भी हम लोगों को जो है वो पैसा नहीं मिला या खाना भी प्रॉपर नहीं मिला। और काफी समाज सेवी थे जिन्होंने एक्चुअली आगे आकर जोधपुर की बात करें या राजस्थान की बात है, काफी समाज सेवी आगे आए और निगम की भी जो गाड़ियां थी जाती थी, आज भले ट्रेन गई उसमें भी काफी समाज सेवी आए, उन्होंने फ्रूट्स बांटे, खाना बांटा। तो एक्चुअल में तो ग्राउंड रिपोर्ट जो है उसको तो मदद पहुंची नहीं। देखिए सर, जहां तक आपका प्रश्न है कि समाज सेवी आ गए, आप उन समाज सेवी से पूछिए, वो सारे मिडिल क्लास लोग थे जी, बिल्कुल सही, जिन्होंने अपनी बियॉन्ड कैपेसिटी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सरकार की सहायता कहाँ पहुंची कहाँ नहीं पहुंची ये तो शायद आप लोग ज्यादा अच्छे से जानते होंगे क्योंकि आप फील्ड में रहते हैं, हम लोग तो नहीं निकल पाए। लेकिन आपके पास अगर आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि उन लोगों तक भी समस्या, मजदूरों तक अगर सेवा नहीं पहुंच पाई और समाज सेवियों द्वारा की गई, तो फिर बताइए कि सरकार का इतना बड़ा पैकेज का हिस्सा कहाँ जा रहा है। अब आती है बात मिडिल क्लास के लिए कि मिडिल क्लास के लिए क्या किया जाना चाहिए सरकार द्वारा। तो मेरी राय में मैं आपसे निवेदन करता हूँ, सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि एक वर्ष के लिए आप कर योग्य सीमा में वृद्धि कीजिए। आप 10 लाख तक, जितने भी 10 लाख रुपए तक की जो आय वाले लोग हैं वहां तक का आप कर एक बार माफ करिए। आप उससे क्या होगा कि लोग आयकर रिटर्न भरेंगे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आएंगे और आपसे नए करदाता भी जुड़ेंगे जी। प्लस जीएसटी और डेली रोजमर्रा की जो सामग्री है उस पर जीएसटी की दरों को कम कीजिए। और दूसरा, लिक्विडिटी के लिए अगर आपने काफी विभिन्न राज्य सरकारें जैसे बिजली का बिल माफ कर रही है, कहीं बिजली पानी का बिल माफ कर रही है, कुछ रियायतें दे रही है, हमारे राजस्थान में तो आज ऐसा हो गया अगर आपने 31 मई तक नहीं भरा तो 2% पेनल्टी हो रही है। माय गुडनेस, तो सर हम किस माहौल में सर्वाइव कर पाएंगे, ये बड़ा मुश्किल मामला है। 20 लाख करोड़ का एक आंकड़ा जो है वो बड़ा आंकड़ा है। और एक्चुअल में जो बता रहे कि जीडीपी का 10% का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर जो हमने भी चेक करे हैं उसमें एक्चुअल सरकार की जेब से जो है करीब करीब 0.75% जो है वही लग रहा है। मतलब 10% का आंकड़ा जो है उसमें सरकार के जेब से कुछ लग रहा है। इमीडिएट जो बेनिफिट जो दे रहे हैं वे लोगों दे रहे हैं, जिसमें नरेगा हो गया या जो है मजदूरों को बेनिफिट दे रहे हैं या जो है बाकी बेनिफिट मिल रहे हैं, उसमें जो है सिर्फ 0.75%। जहां सरकारों ने बाकी देशों के अंदर 10% 12% 13% तक जीडीपी का अनाउंसमेंट किया, वो लोगों को तो मजा है। हमारे पास कुछ फिगर्स हैं जो आरबीआई ने पहले डिक्लेयर करके, ये गवर्नमेंट की जो बजट था उसके अंदर आंकड़े पहले ही दे रखे थे, वही आंकड़ों को घुमा फिरा के वापस दिया गया। सर इन आंकड़ों पे अगर आप जाते हैं 20 लाख करोड़ में, तो मुझे एक बड़ा फनी आंकड़ा लगा कि इस 20 लाख करोड़ में 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने टीडीएस और टीसीएस की दर में कमी वाला आंकड़ा इसको बेनिफिट में डाल दिया। लेकिन इससे सरकार की मंशा ये थी कि ये लिक्विडिटी फॉर्म में उस बंदे के पास रहेगा 0.25% के रूप में। लेकिन सर अगर आज आपका टैक्स 1 लाख रुपए बनता है और आप 10% की दर से आपका टीडीएस कटता है, आपके 75,000 रुपए कट गए, लेकिन आपको 1 लाख रुपए तो देना ही है, तो 25,000 रुपए आप सिर्फ नवंबर तक रिटर्न भरने तक रोक लीजिए। जब आप रिटर्न भरेंगे तब आपको 25,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, तो ये बेनिफिट कैसा हुआ? ये 3-4 महीने का फायदा है, ये सिर्फ 3-4 महीने के लिए आपको एक लिक्विडिटी दी थी उसको इस 20 लाख करोड़ में शामिल किया गया, थोड़ा समझ में कम आता है। या आप कर की दरों में कम करते, आपने कटौती कर टीडीएस में कटौती करी है, कर की दर में कटौती नहीं करी कि 10% की जगह आपको 7.5% टैक्स देना पड़ेगा, 20% की जगह 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने जैसा आगे भी निवेदन किया कि या तो आप कर योग्य सीमा को बढ़ाएं या करों की दर में कटौती करें, रोजमर्रा के काम आने वाली चीज़ों की जीएसटी में कमी करें। रही बात पेट्रोल की, तो मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल का इतना कंजम्पशन हुआ हो कि आपको 6-7 रुपये लीटर बढ़ाने की ज़रूरत आ पड़ जाए, आपके पास तो पेट्रोल का अच्छा स्टॉक हो गया होगा सब कुछ। लेकिन सर अगर हम डे टू डे डेली नीड और रोजमर्रा की जरूरतों और मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखेंगे जी, तो मुझे नहीं लगता हम दिन भर मजदूरों की ही बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं या बड़े इंडस्ट्रीज की। अच्छा एमएसएमई का जो आपने 3 लाख करोड़ का किया है, देखते हैं इसका भी क्या परिणाम आता है सामने। एक और सवाल है कि जो बोला गया था कि 3 महीने के लिए जो ईएमआई में छूट दी जाएगी, यदि ईएमआई नहीं भरेंगे तो बाउंसिंग जो है वो नहीं लगेगी, लेकिन हमें काफी सारे समाचार ऐसे है कि अभी भी जो है लोगों के पास भली वो कार है, मोटरसाइकिल है, भली फ्रिज है, टीवी है, उसके लिए जो है कंपनियां अभी भी कॉल कर रही हैं, फोन कर रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं कि ईएमआई भरें। दूसरी बात है उनके पास जो ऑप्शन था, अनाउंसमेंट हुआ 3 महीने का, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन शायद 21-22 तारीख के आसपास हुआ है, घोषणा हुई है,
तो लोग तो फर्स्ट मंथ की ईएमआई जो मैक्सिमम लगती है डेट्स आती हैं, तो 5 तारीख की डेट आती है, 15 तारीख की डेट में जो ईएमआईज लगती हैं, तो मार्च की तो ऑलरेडी लग गई, तो सरकार की जो है वो ईएमआई जो है एक्चुअली में जो है मार्च का लग चुकी, अप्रैल और मई का दो महीने की ईएमआई जो है अभी छूट मिली थी। और ये ईएमआई जो है क्या आपको लगता है कि लोगों के अभी 31 तक तो लॉकडाउन वापस है ही सारी जगह कुछ शर्तों के साथ में, एक तारीख खुलते ही वापस ईएमआई लगनी चालू हो जाएंगी? सर देखिए, ये ईएमआई में जो राहत प्रदान की गई थी वो लॉकडाउन को देखते हुए प्रदान की गई थी, उसे भी इंटरेस्ट पे करना है। जब लॉकडाउन आपका एनहांस हो गया, लॉकडाउन पीरियड आपका एनहांस हो गया, वो 31 मई तक आपको दी गई थी लॉकडाउन का पीरियड, या 30 जून तक दी गई थी, लेकिन अब 31 मई तक का पीरियड है वो भी डेलिमा में है, परहैप्स इट मे बी राइज और इंक्रीज अगर ये बढ़ जाता है। और रही बात जैसे आपने बोला कि हमें लगता है कि हमारी ईएमआई कटती जाए, अब जिन लोगों के ऑटो डेबिट की फैसिलिटी दी गई थी बैंक को, उनके तो ईएमआई कट ही गई है, उन लोगों ने कहीं स्टॉप नहीं लगाया, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कहीं स्टॉप नहीं लगाया, दे आर रिकवरिंग एज दे रिकवर अर्लियर। एसएमएस भी आ रहे हैं बाउंसिंग के। अब रही बात आपके छोटे मोटे पेनल इंटरेस्ट नहीं लगना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, इंटरेस्ट आपका एज इट इज लगेगा, आपको ईएमआई एज इट इज, खाली डेफरमेंट ऑफ टाइम हुआ उससे क्या फायदा सर? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी 1,00,000 रुपए महीने की ईएमआई है, आप 3 महीने नहीं देते चलिए, लेकिन चौथे महीने आप 4,00,000 लाएंगे कहाँ से? सही बात है। तो आम आदमी सोचता है यार इतना बर्डन नहीं रहे तो मैं मेरी ईएमआई कटवा देता हूँ। उसके लिए सरकार ने बोला कि अभी 3 महीने जो है आपको डिफरमेंट बढ़ जाएगा, यानी अगर आपकी जैसे मान लो 5 साल की है तो 5 साल 3 महीने कर देंगे ऐसा कर। शर्मा जी अगर बढ़ भी गया हाँ तो चुकाना तो आपको ही है, लेकिन उसमें बेनिफिट क्या है? आप क्या 3 महीने में इतना अर्न कर लेंगे कि 3 महीने का एक साथ चुका? सही बात है। इस 3 महीने के लॉकडाउन पीरियड में जब आपने 1 रुपया भी नहीं कमाया तो 3 महीने समाप्त होते ही आप 3,00,000 रुपए कैसे चुकाएंगे? कैसे चुकाएंगे? और जो उस समय के पैसे आ रहे हैं वो तो देने फिर आपका इंटरेस्ट, उन्होंने इंटरेस्ट का डेफर किया, टाइम पीरियड डेफर किया, इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं किया। तो सहायता के नाम पे आपको, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मिला है। सरकार को मिडिल क्लास के बारे में वापस से एक बार विचार करना चाहिए, वापस से सोचना चाहिए, और धरातल पे कितना काम हुआ है, कितनी सहायता मिली है, इसके बारे में जरूर विचार करना चाहिए, ये मेरा मानना है। अभी एक और था कि लोगों कह रहे थे, दुकानदार जो बिजनेसमैन कह रहे थे, बिजनेसमैनों ने अभी दुकानें खोली है, हमारी उनसे मुलाकात हुई, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं साहब हमने बोला, हमें बोला गया हमें दुकान बंद करने का, बिजनेस बंद करने का, क्योंकि लॉकडाउन था और जरूरत भी थी, सरकार ने बोला, और अब सरकार ने बोला खोलो, इवन मास्क से लेकर के सैनिटाइजर से लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला, हमने खुद ने खरीदे, ये कोई सामाजिक संगठन ने हमको दिया, किसी भी दुकानदार कह सकते भी आपको सैनिटाइजेशन रखना है, आप भले पार्लर है या कोई भी दुकान है, किराना दुकान है, वहां पे जो है सरकार की तरफ से ना तो सैनिटाइज, मतलब बिजनेसमैन जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, और उनको बोला कि आप कल से दुकानें खोल लें, दुकानें उन्होंने खोल ली, हालांकि बिजनेस ना हो नहीं, 5% भी बिजनेस चालू नहीं हुआ, और उनके पास सैनिटाइजर से लेकर के मास्क से लेकर भी कुछ नहीं दी, मान लो कोई साल का 1,00,000 रुपए टैक्स देता है, उनके पास जो है ये सैनिटाइजर और मास्क तक नहीं दी, जहां मजदूरों को कुछ हद तक दिया गया या गरीबों को पहुंचाई की सहायता, मीडियम क्लास को तो वहां भी नहीं मिला। सर छोटे और मंझले जहां तक मार्केट है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, क्या वो एरिया रेगुलरली सैनिटाइज हुआ है निगम द्वारा? नहीं हुआ। तो जब एरिया ही आप सैनिटाइज नहीं कर रहे हो, आप इंडिविजुअल शॉपकीपर्स को मास्क और सैनिटाइजर की बातें कर रहे हो, तो मुझे वो दुकानों भी सैनिटाइज करने के लिए बाहर भी छिड़कने के लिए नहीं है, एरिया भी सैनिटाइज नहीं हुआ। आज मेरा पॉश एरिया है सरदारनगर, सरदारपुरा, इसमें कितनी बार सैनिटाइजिंग मशीन आई है? आई नेवर थिंक अबाउट इट। मुझे सिर्फ एक बार 60 दिन में एक बार सैनिटाइज करने के लिए आई है। तो आप ये देखिए जो अभी मार्केट खुला है, जो आज आप बात कर रहे हैं हमारा सरदारपुरा बी रोड जी, उसको कितनी बार सैनिटाइज किया है जहां पर पब्लिक की आवाज आई है, या कल या परसों आपने सोस्ती गेट पे भीड़ देखी होगी, उस भीड़ के जाने के पश्चात क्या वो सैनिटाइज किया गया? तो सरकार वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर तरीके से। तो एक एक दुकानदार और एक एक व्यापारी वर्ग को सैनिटाइज करना या सैनिटाइजर देना या मास्क देना बड़ा मुश्किल मामला। देखिए जैसा सर ने बताया है और डिटेल में डिसीजन हुआ है, 20,00,000 करोड़ का एक आंकड़ा जो है वो सिर्फ आंकड़ा ही है, ये न्यूज रिपोर्ट में सारी चीजें जो बताई गई हैं, जो कुछ ऐसे जो है वो बताए गए थे, अमाउंट बताए गए थे, वो आरबीआई की डिक्लेरेशन पहले से थी, वो ऑलरेडी जो है इसी के अंदर घोषणा की, काफी सारी घोषणाएं ऐसी थी जो ऑलरेडी पहले की जा चुकी थी, उसी को उसमें शामिल किया गया है। टीडीएस का जैसे सर ने बताया कि टीडीएस का जो है वो सिर्फ डेफर किया गया है, आने टाइम के अंदर वो बेनिफिट अभी कुछ टाइम पोस्टपोन्ड हुआ है, बाद में वो चीजें वो है वो देनी पड़ेंगी। मिडिल क्लास का अपना एक सवाल है जो सर ने काफी अच्छा उठाया, और कि भी एक्चुअल में जो है ग्राउंड रिपोर्ट में, भले वो केंद्र सरकार है भले राज्य सरकार है,
एक बिजनेसमैन जो दो महीने जो है घर के अंदर रहता है, जो भी अपनी सेविंग्स थी वो खत्म कर ली, अब जैसे ही वो लॉकडाउन खुलेगा और अब चीजें हुई है, एक तारीख से उसकी ईएमआई वापस चालू हो जाएंगी, उसको जो है उसको अभी तीन महीने का या दो महीने का किराया जो है वो देना है, उसको मकान का किराया देना है, उसको दुकान का किराया देना है। प्लस सर एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे बिजनेस के अंदर लोग बोलते हैं लॉसेज है, तो लोगों का जो सामान पड़ा रह गया यानी जो डेड स्टॉक्स हो गए, उसका क्या कहेंगे? सर ये बहुत बड़ी समस्या थी अभी में, जैसे कि मार्च एंडिंग में जी। सभी लोग स्टॉक टेकिंग करते हैं और 22 मार्च को ही अपना लॉकडाउन शुरू हो गया था इस महामारी के कारण जी। तो व्यापारियों को ये दो दो महीने तक गोडाउन में स्टॉक था, बहुत रिक्वेस्ट करके कुछ व्यापारी अपने गोडाउन से उस स्टॉक को डिस्पोज कर पाए, लेकिन रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में वो भी नहीं कर पाए और वहां पड़ा वो स्टॉक डैमेज हो गया। तो अब आप देखिए कि ये एक लॉस की पराकाष्ठा कह सकते हैं कि कहां तक उनको लॉस हुआ है उस लॉस का। अच्छा सबसे बड़ी बात, क्या इंश्योरेंस कंपनीज उनका क्लेम देंगी, क्या उनको कोई एक्स्ट्रा राहत है, या उस सामान को अब कौन खरीदेगा? खाद्य सामग्री हो गई या जिसे फैंसी या कॉस्मेटिक हो गई, अभी वर्तमान का टेम्परेचर 45 डिग्री है और उनके लिए मिनिमम 22-25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, तो उसमें सारी चीजें जो नुकसान हुआ है, तो हम ये जो मझले व्यापारी है उनको वो भी तो एक नुकसान हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है। तो सर सरकार को, अच्छा उसके अलावा अब आप जैसे हमारा जून और जुलाई महीना आता है, बच्चों की फीसेस सारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, सारा बच्चे चाहते हैं हम टाइमली कोर्सेज कर लें, एग्जामिनेशन डेफर हो गए, वापस एग्जामिनेशन आ गए, तो हमें खुलते ही एक बार तो लिक्विडिटी की समस्या बहुत जबरदस्त आने वाली है सर। तो इस लिक्विडिटी के लिए आम आदमी को सोचना चाहिए, प्लस सरकार को हमारे बारे में विचार करना चाहिए, और प्लस कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि गरीब और किसान के अलावा और बड़े व्यापारी के अलावा हम मझले व्यापारी मिडिल क्लास वर्ग के लिए कुछ ऐसी राहत की योजनाएं लाएं ताकि हम भी अपने आप को उनके समकक्ष पा सकें। 20 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है या जो भी पैसे हैं या आरबीआई जो डिक्लेरेशन कर रही है, वो डिक्लेरेशन जो भी किया जा रहा है वो किसके भरोसे किया जा रहा है? ये पैसा एक्चुअल में जो है वो बिजनेस कम्युनिटी देती है, यानी अगर सरकार कहती है कि हम 20 लाख करोड़ दे रहे हैं या आगे जो भी आंकड़े हैं या और भी जो भी योजनाएं चलती हैं, वो योजनाओं का पैसा जो है वो टैक्स के रूप में जो है जनता के वो पहुंचता है सरकार तक, तो उसमें बिजनेसमैन का बहुत बड़ा रोल है। जैसा सर ने बताया, लोगों के बिजनेसमैन के बिजनेस हाउसेस के अंदर स्टॉक भरे पड़े रह गए, वो स्टॉक डैमेज हो गए, मगर उसका भी कोई अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। मान लो 1 लाख का 2 लाख 5 लाख 10 लाख फैक्ट्रीज बंद हुई है, वहां भी फैक्ट्रीज बंद होने के बाद में जो है वो फैक्ट्री का माल भी उनके पास पड़ा रह गया, लेकिन वो माल डैमेज ही है। फूड प्रोडक्ट्स में खासकर या जो भी लिक्विड है वो प्रोडक्ट्स में, उनमें जो है कॉस्मेटिक्स में हुआ है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जिनके अंदर जो है वो माल खराब हुए हैं, क्योंकि वो दो महीने तक बंद रहा तो वो माल कोई काम का है भी नहीं। और जैसा सर ने बताया कि एक्चुअल जो है धरातल पे जो है बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिला है, कुछ ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, और ये जो आंकड़े हैं वो सिर्फ आंकड़े ही हैं। बिजनेसमैन जो है बहुत सफर कर रहा है, मीडियम क्लास बहुत सफर रहा है। अगर स्कूल फीस भरनी है तो आपको भरनी है, उसमें कोई छूट नहीं है। अगर आपको बिजली का बिल देना है, जैसा सर ने बताया 2% की पेनल्टी और अभी कर दी है तो राज्य सरकार ने, तो 2% की पेनल्टी और पे करनी पड़ेगी। यानी आपको बिजली का बिल देना है, आपको दुकान का किराया देना है, आपको घर का किराया देना है, आपको राशन जो सेविंग्स थी वो खत्म होगी, आपको फैक्ट्री या दुकान वापस चालू करनी है, उनके लिए नया आपको जो स्टॉक्स है, पुराना खराब हो गया तो बाहर फेंक दीजिए, नया आप वापस मंगाइए, माल लाइए और वो भी कर दे, लेकिन अभी सेल जो है वो 5-10% भी अभी उठी नहीं है। यानी कोई अगर बिजनेस जो है पर डे का दुकानदार 10,000 करता था तो आज के तारीख में वो 1,000 रुपए भी बिजनेस नहीं हो रहा है, तो वापस उसको खड़ा होने में टाइम लगेगा। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, जैसे सर ने बताया कि डिटेल डिस्कशन बताया, जो भी राहत पैकेज दिए गए उसमें जो है एक्चुअल लिक्विडिटी जो थी वो पहुंची नहीं है, जिसकी मेन आवश्यकता थी या जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, जो एक तरह से जो है वो लोगों के लिए संजीवनी कह सकते हैं, वो पहुंचनी चाहिए, मगर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि सरकार द्वारा डायरेक्ट जो है राहत किसी को दी जाए या बिजनेस चलाने को मिल जाए। जो भी लोन्स दिए जाएंगे वो भी उसके इंटरेस्ट भी लोगों को दे रहे हैं और आगे भी दिया है। हालांकि कितनी चीजें होंगी और सरकार से जैसा निवेदन करें, मीडियम क्लास और बिजनेस क्लास के बारे में सोचना चाहिए, और आने वाले टाइम के अंदर जो है हम आपको सर से, जैसे सर से मिलवाए ऐसे आपको जो है जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मिलाते रहेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं। ये इंटरव्यू का पर्पज हमारा होता है कि आपको सरल भाषा में सब चीजें समझा सकते हैं, और जो भी लोगों के कोई सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं सर से, वो कमेंट बॉक्स में हमारे इस वीडियो में
तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम सर तक पहुंचा सकते हैं। सर एक बार नंबर दे सकते हैं अगर आपके जो लोग भी आपसे संपर्क करना चाहे, इस बारे में पूछना चाहे तो। 9992991100 वापस रिपीट करना सर। 9992991100 नीरज जी मुंडा साहब थे आप हमारे साथ में, और ये नंबर्स दिए हैं, कोई सवाल है वो आप डायरेक्टली इन नंबर्स पे फोन करके पूछ सकते हैं और आप इनसे सलाह ले सकते हैं। आप जो है एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक समाज सेवी हैं, काफी लोगों की हेल्प भी करते हैं और चाहते हैं कि जोधपुर में या राजस्थान में या हिंदुस्तान में कोई भी जना है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है जूझ रहा है, जैसे आपने देखा पुलिस अपनी जगह काम कर रही है, समाज सेवी अपनी जगह काम कर रहे हैं और खाना पहुंचा रहे, राहत पहुंचा रहे, मगर अब जो है फूडिंग या जो है राहत जो है या लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हमें एक्चुअल में मिलेगा क्या, पैसा कितना आएगा, हमें करना क्या। तो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा चिंतित है, हम रेगुलर अभी 2-3 दिन से जो है बाजार में घूम रहे हैं और चिंताओं की रेखाएं जो है मिल रही है। इसके अलावा सर एक लास्ट चीज में चलते चलते पूछ रहा, जो नौकरी है अभी बोल रहे हैं जो जॉब लॉसेस है वो बहुत बड़ी संख्या में आने वाले हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, मैं दो चीज कहना चाहूंगा, एक पहला आपके प्रश्न के लिए मैं आंसर देता हूं और दूसरा एक मेरी तरफ से सरकार से एक निवेदन भी रहेगा। पहला, जैसे आपने बोला है जॉब समस्या तो रहेगी, अनसर्टेन बेरोजगारी बढ़नी है, बिकॉज अभी हमने इतना एनालिसिस किया जब व्यवसाय ही खतरे में रह गया तो फिर सर जॉब का तो मुश्किल ही रह गया। जब आपका नियोक्ता यानी मालिक खुद ही खतरे में है तो वो क्या जॉब देगा, तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। अब रही बात दूसरा, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं या एमएसएमई, प्रोडक्शन उस कैपेसिटी से अभी शुरू नहीं हो पाया या शायद हो भी नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ लेबर्स। तो सर एक बात बताइए, जब लेबर माइग्रेट हो गई है और माइग्रेशन होने के बाद भी वो जहां भी गए क्वारंटाइन में है, ऐसा तो है नहीं वो वहां पहुंचते ही अपने घरों पे पहुंच गए या वहां पर भी, वहां पर वो कोई इंडस्ट्री में जो लेबर थी बेसिकली आपको पता है यूपी बिहार उस साइड की थी, वहां पर इंडस्ट्रियल जोन ऐसा नहीं है। और जो हमारा व्यापारिक जोन है जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां से पलायन जारी है। तो इस तरह से अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो सब आपका ये बेरोजगारी की समस्या तो एज इट इज है। मेरा सरकार से एक और निवेदन है कि आने वाले 2021 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में आप GST प्लस TDS प्लस अन्य जो भी पेनल्टी है कृपा करके उस पेनल्टी को माफ करें। ये भी एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी सहायता रहेगी। रिटर्न नहीं भर पाना या रिटर्न टाइमली कुछ टाइम के लिए डिले हो जाना, कुछ एरर रह जाना, कुछ अगर इस तरह के भी राहत देते हैं तो एक आम आदमी बहुत राहत फील करेगा। बिकॉज इस टाइम में हर जगह लुकिंग टूवर्ड्स द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हर आदमी अपने हिसाब से व्यवसाय करेगा तो उसके व्यवसाय का रिटर्न वो उस हिसाब से भरेगा। अगर आपने पेनलाइज प्रोविजन एज इट इज रखे और उनमें अगर कुछ रियायत नहीं दी तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो मेरा ये मानना है सर इसमें भी कुछ रियायत होनी चाहिए। जी देखिए, आप एक्चुअल में जो दोनों हाथों से देने वाला बिजनेसमैन था वो दोनों हाथ जो है वो फैलाए हुए जो है वो आज खड़ा है। जो सरकार को मदद देता था, सरकार को टैक्स देता था, बिजनेस हाउसेस चलाता था और बड़ी बड़ी मशीनरी से लेके फैक्ट्रीज लगाता, खुद का इन्वेस्टमेंट करता था, ब्याज के पैसे लाके काम करता था या बिजनेस के लिए जो है वो स्टॉक्स लेके आता था या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, सभी अभी संकट में और सभी दोनों हाथ फैला के सरकार की तरफ देख रहे हैं, मगर शायद जो है केंद्र सरकार से राज्य सरकार तक उनकी आवाज नहीं पहुंच रही। दुकानदार से लेके बिजनेसमैन सब सफर हो रहे हैं। आपको खबरों का सिलसिला और जो है इंटरव्यू का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप देखते रहे नमस्ते राजस्थान न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।